वैसे एक एल्यूमिनियम फॉइल को हम 26 बार फोल्ड कर सकते हैं, उसको प्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा करने की। यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल को एक बॉल बना दिया गया था, जो कि ऑब्वियसली बात है उसके अंदर एयर होगा, वो एयर पूरा निकाला जाएगा यहाँ पर प्रेशर मशीन से, हाइड्रोलिक प्रेस से। और यहाँ पर जो तगड़ी चीज़ एंडिंग में होने वाली है ना, वो मज़ा आने वाला है, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ पर बनाने वाले। अब यहाँ पर कॉइन रखने का रीज़न आपको एंडिंग में पता चलेगा, ठीक है। कॉइन रखा, दबा दिया, और भाई ये पूरा 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 मतलब फेल गया, जेली के जैसा फेल गया भाई, एल्यूमिनियम फॉइल वो भी, और मुझे लग रहा है कि कॉइन भी इसके ऊपर, भाई पूरा के पूरा कॉइन छप गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं पूरा पूरा जो कॉइन उसके ऊपर ही दब गया, वो चिपक गया उसको, उसका जो क्या बोलते उसको जो था ना उसके ऊपर प्रिंट विंट, उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर आ गई है। और यहाँ पर अब नेक्स्ट लेवल चीज़ होने वाली, क्योंकि उसको रख दिया गया एक चीज़ के अंदर ताकि वो फैले ना। और यहाँ पर जो शायद एल्यूमिनियम फॉइल का यहाँ पर कॉइन बनने वाला है, लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। और जी गाइस, यहाँ पर एक मोटा सा कॉइन बन गया एल्यूमिनियम फॉइल का।